सोशल मीडिया पर आपने राहुल गांधी का वो वायरल बयान जरूर सुना होगा, जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। खैर, वो वायरल वीडियो डॉक्टर यानी कि छेड़छाड़ करके बनाया गया था, लेकिन अब उसी वीडियो की तरह बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का बयान सामने आया है। बिहार के उद्योग मंत्री ने कहा है कि यहाँ आने वाले इन्वेस्टर्स एक तरफ मशीन में मक्का डालेंगे और दूसरी तरफ से डॉलर और रुपए निकलेंगे। एक तरफ गन्ना डालेंगे तो दूसरी तरफ एथेनॉल निकलेगा। बता दें कि उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने शुक्रवार को उद्योग विभाग का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए शहनवाज हुसैन ने घोषणाओं की छड़ी लगा दी। हालांकि उनकी बातें विपक्ष को रास नहीं आई और हंगामा कर दिया। दरअसल बिहार विधानसभा में शहनवाज हुसैन बिहार में उद्योग लगाने की चर्चा कर रहे थे और अपने बजट भाषण में वो दावा कर रहे थे कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए सरकार हर कीमत पर तैयार है। उद्योग लगाने के लिए उन्हें देश विदेश में जाना पड़ा तो वे जाएंगे। जो भी उद्योगपति बिहार आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा। कोई भी अगर 1,000 करोड़ रुपए बिहार में निवेश करता है तो उसके स्वागत के लिए उद्योग मंत्री खुद हवाई अड्डा जाकर उन्हें रिसीव करेंगे। बजट भाषण के दौरान उन्होंने विपक्ष के हमलों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं फिर बिहार आ गया हूं, लेकिन मैं बिहार से बाहर कब गया था? मुझे 32 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कई विभागों की जिम्मेदारी दी थी। बिहार में काम करने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति उन्होंने आभार जताया। कहा कि मुझे महत्वपूर्ण विभाग दिया गया, यह मेरा सौभाग्य है क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री ने इस विभाग को खुद संभाला है।